उत्तराखंड में आज संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद हल्द्वानी में हुई मतगणना के बाद रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने 30,860 वोट प्राप्त करते हुए शानदार जीत दर्ज कर ली है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह पाल को 26,171 वोट मिले हैं। वहीं रामनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह पाल को 4,689 मतों से पराजित किया है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजय नेगी 16,742 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से देवान सिंह बिष्ट का स्वागत करते हुए जमकर आतिशबाजी की। वहीं भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने अपनी जीत पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताने के साथ ही रामनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामनगर में अब रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 सालों के काम पर, पिछले 5 सालों के भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कार्यों को लेकर जो विश्वास जताया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के लिए और सरकार चलाने की जो स्वीकृति दी है उसके लिए मैं उनका आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ तक विकास के कार्य, विकास के कार्यों पर ही भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता इस उत्तराखंड में लाई है और जो कार्य प्रारंभ है और जो विशेषकर हमारे रामनगर विधानसभा में जो मुख्य कार्य है जिनके खाका वगैरह हमने तैयार किया है, उन कार्यों को गठन, सरकार का गठन होते ही हम सरकार के बीच में रखेंगे और उन कार्यों को प्रारंभ कराने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः एक बार अपनी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गुरुवार को उत्तराखंड के हुए विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना के दौरान रामनगर विधानसभा सीट पर लगातार दूसरी बार कमल खिला है। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा से प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रत्याशी को, जो कि डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है हार का मुंह देखा है। आपको बता दें कि करीब 4600 से अधिक वोट से देवान सिंह बिष्ट भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, जबकि तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में डटे हुए थे संजय नेगी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो अपनी जीत के प्रति आज भाजपा प्रत्याशी देवान सिंह बिष्ट ने भी जनता का आभार जताते हुए कहा है कि रामनगर विधानसभा की जनता ने पिछले 5 साल के कार्यकाल पर उनके मोहर लगाई है और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको गति दी जाएगी। और उन्होंने अपनी जीत के लिए रामनगर की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताने के साथ ही पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए आज जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही आज जीत के खुशी में होली भी खेली है और कार्यकर्ताओं ने भी जो है पार्टी प्रत्याशी को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।